ए मान ली मैंने यहाँ पे टू क्या है लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट दैट इज बीवल टू क्या है यहाँ पे टू ठीक है तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू होती है ये होती है यहाँ पे क्या होती है बी माइनस ए अपॉन एच ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बी की जगह क्या यहाँ टू माइनस ए की जगह जीरो अपॉन एच ओके तो फाइनली यहाँ पे एन इक्वल्स टू आ जाएगा टू अपॉन एच ओके अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या होता है

एफ ए प्लस एच तो ए की वैल्यू जीरो जीरो प्लस एच यानी कि एफ एच एंड प्लस का एफ ए प्लस टू एच तो ए की वैल्यू क्या है जीरो प्लस टू एच यानी कि एफ टू एच एंड प्लस अब जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच तो ए की वैल्यू जीरो जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच तो ये हो जाएगा एन माइनस वन एच ओके अब यहाँ पे इनकी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये यह होगा बेसिकली यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये यहाँ पे एच एफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी ये जो हमें यहाँ पे फंक्शन दे रखा e ठीक है then, then, दे रखा e okay. तो, की करेंगे, तो क्या हो जाएगा जीरो e okay. प्लस एफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से एफ एच की वैल्यू हो जाएगी एफ एच तो एक्स की जगह एच पुट करेंगे तो ई रेस्ट टू पावर एच ओके तो ये हो जाएगा ई रेस टू दावर एच प्लस ऐसे यहाँ पे हो जाएगा ई रेस्ट टू दावर टू एच एन प्लस अप टू यहाँ पे हो जाएगा इेज टू पावर एन माइनस वन इन टू एच ओके अब फर्दर जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या सॉर्ट आउट करके यहाँ पे हमें कैसा फॉर्मूला बना देंगे या तो यहाँ सीरीज को जीपी बना लेंगे या अगर डायरेक्ट सम होगा तो उसको फाइंड करने के बाद ताकि हम यहाँ पे लिमिट पुट कर सकें ठीक है तो ये हो जाएगा अब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो एच ठीक है और यह e रेस्ट टू दी पावर जीरो प्लस ई रेस्ट टू दी पावर h प्लस पावर टू एच एंड प्लस अप टू ये इसको मैं ले सकता e अपू दावर एन एच ओके एंड ये क्या e ई रेस्टू दावर माइनस एच हो जाएगा तो e रेस्ट टू दावर माइनस एच को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ पावर एच ओके ये है यहाँ पे एन एच है ओके okay, ये है एन और ये एच ओके okay, अब फर्दर हम इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो पे का e रेस्ट टू दी पावर h का हम एल्सियम ले लेंगे तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं इनमें सब में e रेस्ट टू दी पावर h का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सेप्ट e ई टू दी पावर n h क्योंकि यहाँ पे तो e रेस्ट टू दी पावर h है ठीक है और ये e रेस्ट टू दी पावर h को हम यहां पे बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के ठीक है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू दी पावर जीरो इंटू रेस्ट टू दी पावर h प्लस का e रेस्ट टू दावर एच इन टू रेस्ट टू दी पावर h प्लस का e रेस्ट टू दी पावर h इन टू रेस्ट टू पावर टू एच एंड प्लस अप टू ये हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर एन एच ओके अब जब फर्दर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरोन ई रेस्ट टू पावर एच ओके और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये है ई रेस टू पावर एच प्लस ये क्या है ई रेस्ट टू दावर टू एच एंड प्लस ये ई रेस्ट टू दावर यहाँ पे थ्री एच एंड प्लस अप टू रेस्ट टू पावर ये क्या NH. Okay. अब ये बेसिकली जो सीरीज हमें दे रखी है ना टू पावर प्लस तो एन टर्म्स की जीपी है तो अगर हमें कहीं एन टर्म्स की जीपी दे रखो तो उसका हम फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर एच और ये हो जाएगा एन टर्म्स की अगर हमें जी दे रखी हो तो उसका सम होता है ए दैट इज फर्स्ट टर्म ओके तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस्ट टू दी पावर एच ओके ए आर की पावर एन माइनस वन तो आर भी यहाँ पे टू दी पावर एच है तो आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन दैट इज ई रेस्ट टू दी पावर एच ई रेस्ट टू दावर एच माइनस वन ओके यहाँ पे है ई e है एन ओके okay, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम एन को इस टाइप से बना लेके okay, अब यहाँ पे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ई रेस्ट टू पावर एच इस एच e से कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या बचेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये एच इन टू रेस्ट टू दावर एच और अपॉन एन और एन की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया क्या है टू अपॉन एच ठीक है तो जब भी यह हम यहाँ पे पुट करेंगे टू अपॉन एच माइनस वन और अपॉन क्या ये ई रेस्ट टू दावर एच माइनस वन ओके okay. अब जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो एच ओके और ये हो जाएगा e स्क्वायर क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है e एस टू दी पावर एच और इसकी पावर टू अपॉन एच ठीक है तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा e स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा ये ई स्क्वायर माइनस अपॉन ई रेस टू दी पावर एच माइनस ठीक है तो इसको हम बेसिकली इस टाइप से भी लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन ओके और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा बेसिकली यहां पे लिमिट क्या है h टेंस टू जीरो साइड में ठीक है तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी तो ये हो जाएगा यहां पे लिमिट h टेंस टू जीरो

जो हमें फाइंड करनी थी किसकी इंटीग्रल वैल्यू ये था e okay. जीरो e आ जाएगी ई स्क्वायर माइनस वन ओके और यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे थैंक यू क्लास सिक्स लेके नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ पर